हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब यू डूइंग वेरी गुड बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ क्या डिमांड एंड रिकवरी का रिवीजन यस डिमांड एंड रिकवरी का रिवीजन सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 84 तक के सेक्शंस जो है यहाँ पे इस चैप्टर में कवर होते हैं सेक्शन 73 मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ वर्ट टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड एरो रिफंडेड रीजन अदर देन फ्रॉड मेरा कोई इंटेंशन नहीं है भाई फ्रॉड करने का हो गया मैंने टैक्स शॉर्ट पेड कर दिया या टैक्स नॉट पेड कर दिया या एरो रिफंड हो गया सेक्शन सेवेंटी फोर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड एरेनेसली रिफंडेड बट बाय रीजन ऑफ फ्रॉड फ्रॉड इंटेंशन है भाई साहब आपका तो आपका कहां डिटर्मिनेशन होगा सेक्शन 74 के अंदर ठीक है एंड सो ऑन ऐसे सेक्शन है 84 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था 73, 74 जो सेक्शन नंबर्स आपको याद रखने हैं ठीक है स्टार्ट करेंगे यहां पे बेटा ये चैप्टर का रिविजन प्रोविजन रिलेटिंग टू डिमांड अप्लाई ओनली द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यूटी इज नॉट लेस देन हंड्रेड रुपीज भाई सौ रुपए से कम की बात है तो फिर यहां पे इसके प्रोविजंस नहीं यहां पे रहेंगे एप्लीकेबल रहेंगे ठीक है आप पच्चीस पचास रुपए के लिए मत पहुंच जाइए डिपार्टमेंट यहां पे ठीक है या ना डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू कर सकता है उस अमाउंट के लिए ठीक है अब देखेंगे हम यहां पे प्रोविजंस अगर यहां पे अब सबसे पहले पेनल प्रोविजंस देखेंगे पेनल्टी के भाई टैक्स और इंटरेस्ट तो आपको हमेशा ही पे करना है उसमें कोई छूट की बात नहीं हो रही है बात किसकी हो रही है यहां पेनल्टी पेनल्टी पेबल नॉर्मल केसेस केसेस में केसे में फ्रॉड क्या पेनल्टी का अमाउंट रहेगा <coughs> क्या पेनल्टी का अमाउंट रहेगा टैक्स और इंटरेस्ट हमेशा पे करना है सो so, टैक्स इन अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट पेड बिफोर इश्यू ऑफ शोक नोटिस ठीक है अभी आपने क्या किया टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट कर कर दिया दिया ऑफिसर ने शो नोटिस किया ही ही नहीं आपने उसके पहले ही पे कर दिया। आपको खुद से यहाँ पे पता चल गया ऑफिसर ने आपको बता दिया जैसे भी आपने आपने सोचा कि भाई टैक्स अपने पे कर देना इंटरेस्ट पे कर देना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है नॉर्मल केस वाले थे आप सेक्शन 73 वाले थे कोई पेनल्टी लगेगी क्या नहीं कोई नोटिस इश्यू होगी क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं नो नो पेनल्टी नोटिस इफ टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट आपने पे कर दिया कब बिफोर इश्यू ऑफ नोटिस नोटिस इश्यू होने के पहले ही हमने तो पे कर दिया नॉर्मल केसेस की बात हो रही है फ्रॉडुलेंट केसेस में फ्रॉडुलेंट केसेस में भी अगर आपने टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट पे कर दिया नोटिस इश्यू करने के पहले ही तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और आपको पेनल्टी कितनी लगेगी फिफ्टीन परसेंट ऑफ टैक्स अमाउंट कितनी लगेगी 15% परसेंट ऑफ टैक्स अमाउंट पेबल एस पेनल्टी एंड नो नोटिस बी इशूड कोई नोटिस इशू करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है तो ये बेटा यहाँ पे नॉर्मल केसेस के यहाँ पे चीजें दी हुई है सेक्शन 73 की एंड यहाँ पे फ्रॉड केसेस की सेकंड अगर आपने टैक्स अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस नोटिस इश्यू करने के 30 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर ने नोटिस इश्यू किया शो कॉज नोटिस इश्यू किया बोला कि भाई यही आपको पे करना है नॉर्मल केस था आपने पे कर दिया कितने दिन में 30 डेज ऑफ सर्विस यहां पे 30 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस 30 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस के अंदर अंदर आपने पे कर दिया कहीं कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल केस है कोई पेनल्टी नहीं लगेगी ऑल प्रोसीडिंग्स आर डीम टू बी कंक्लूडेड

और आपने वो पे कर दी तीस दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस आई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था आपका आपको नोटिस आई कोई दिक्कत नहीं आपने पूरा का पूरा पे कर दिया तो आपको पेनल्टी लगेगी खाली पच्चीस आपने पे कर दी ऑल प्रोसीडिंग्स विल बी डीम टू बी कंक्लूडेड सारी प्रोसीडिंग्स क्लोज हो जाएगी ठीक है अब टैक्स अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट आपने पे किया किया नो no डाउट किया बट कब किया थर्टी डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर

कि भाई ठीक है मैंने पे कर दिया मैंने पे कर दिया टैक्स इंटरेस्ट वो तो पे करना ही है तो फिर पेनल्टी कितनी लगेगी टेन परसेंट ऑफ टैक्स अमाउंट और टेन थाउजेंड विच इज हायर टेन परसेंट ऑफ टैक्सेंड विच इज हायर अगर आपका नॉर्मल केस है तो फ्रॉड वाले हो तो फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्स अमाउंट पेबल पे पेनल्टी ऑर्डर आने के तीस दिन के अंदर भी आपने पे कर दी तो कोई दिक्कत नहीं फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्स अमाउंट ही आपको क्या मिलेगी यहां पे लगेगी पेनल्टी लगेगी जितना जल्दी पे करोगे उतना बढ़िया

फ्रॉडिलेंट केस है तो 100 परसेंट ऑफ टैक्स अमाउंट पे करो 100 परसेंट अब पे करो 100 परसेंट ठीक है तो ये आपको पेनल्टी के प्रोविजन बेटा बहुत अच्छे से याद रखने एग्जाम में बिल्कुल मोस्ट थिंग इन दिस चैप्टर ये है ठीक है सो बिफोर इशुएंस ऑफ अगर नॉर्मल केस की बात करती हूं मैं बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस यहां बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस या नोटिस इशू करने के तीस दिन के अंदर अंदर आप यहां पे करते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगती कोई पेनल्टी नहीं लगती है ठीक है और यहां पे अगर आप यहां पे 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर यहां पे या उसके बाद में भी करते हो तो आपको नॉर्मल केस में पेनल्टी 10 परसेंट ऑफ टैक्स अमाउंट और टेन थाउजेंड है और यहां पे फ्रॉड केस में क्या है बिफोर इश्यूएंस ऑफ नोटिस 15 परसेंट थर्टी डेज आफ्टर इशुएंस ऑफ द नोटिस यहाँ पे ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी डेज आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर फिफ्टी परसेंट ऑफ टैक्स अमाउंट और उसके बाद किया थर्टी डेज आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर उस केस में हंड्रेड परसेंट पेनल्टी हंड्रेड परसेंट पेनल्टी ठीक है तो ये पेनल्टी प्रोविजन याद रखने पंद्रह पच्चीस पचास सौ पंद्रह पच्चीस पचास सौ ठीक है अब एक पॉइंट और देखेंगे द पेनल्टी शेल ऑल्सो नॉट बी चार्जेबल इन केस

अब नॉर्मल केस बात कर हो रही है नोटिस इशू करने की और ऑर्डर इश्यू करने की टाइम लिमिट्स की बहुत इंपॉर्टेंट अगेन दिस टेबल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो नोटिस इश्यू करता है ऑफिसर या ऑर्डर इश्यू करता है क्या उसकी टाइम लिमिट है कोई बिल्कुल टाइम लिमिट है बिल्कुल टाइम लिमिट है अब आप नॉर्मल केस वाले हो नॉर्मल केस वाले हो मतलब अदर देन फ्रॉड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल टू विच हज डिमांड पर डेट ऑफ एनोनियसकी बात हो रही है आप नॉर्मल केस वाले थे तो टू ईयर्स नाइन मंथ कहां से फाइनेंशियल आपकी डिमांड मैं फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ आपकी डिमांड कौन से ईयर की बेटा आपकी डिमांड यहाँ पे समझ लो बीस इक्कीस की है /21 का, आप मुझे बताओ ट्वेंटी ट्वेंटी वन का आपका एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 2021 का 31 दिसंबर 2021 मैम हमको पता है सेक्शन 44 में पढ़ा हुआ है हमने थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन यहां पर यहां से आप समझ लो आपके नोटिस का टाइम लिमिट क्या है टू ईय टू ईयर नाइन मंथ तो टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टीए से थर्टीएथ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा यहां पे वो आपका हो जाएगा यहां पे नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट और यहां पे ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट क्या रहेगा थ्री इयर्स ट्वेंटी मतलब पकड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहां पे थर्टी ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक के आपको क्या करना है ऑर्डर इशू करना है ऑफिसर को ऑर्डर इश्यू करना है ऑफिसर को ठीक so, है सो टाइम लिमिट ऑर्डर इशू करने की क्या है मैक्सिमम टाइम लिमिट थ्री इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न

फाइनेंशियल है, है तो फ्रॉम दरोनियस रिफंडियस रिफंडल रिटर्नियस इट इज वेरी क्लियर फ्रॉडल दिया आपने फ्रॉड किया है ठीक है ऑफिसर को टाइम ज्यादा दिया है यहाँ पे नोटिस इश्यू करने के लिए फोर ईयर सिक्स मंथ कहा सेम वही ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न जिस साल की डिमांड है और फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड अगर रिफंड का कैसे तो और ऑर्डर इश्यू करने का टाइम लिमिट पांच साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न टू विज टू फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विज द डिमांड पर्टिन डेट ऑफ एरोनियस रिफंड मतलब बीस इक्कीस का आप कब तक क्या इशू कर सकते हैं यहां पे क्या ऑर्डर कब तक इशू करना है ऑफिसर को बीस इक्कीस का यहां से पास यहां पे थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक क्या है ये एनुअल रिटर्न की डेट है

आपने यहां नोटिस की बात कर रही हूं कोई अमाउंट आपने कलेक्ट कर लिया एज टैक्स बट नॉट पेड ठीक है आगे के आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे क्या बात हुई कोई अमाउंट आपने कलेक्ट कर लिया एज टैक्स एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड आपने यहां पे क्या किया भाई सामने वाले को से कोई भी अमाउंट बोल के ले लिया कि भाई ये टैक्स है बट आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया बहुत गलत बात है कोई टाइम लिमिट ही नहीं है नोटिस इशू करने की गवर्नमेंट कभी भी नोटिस इशू कर सकती है नो टाइम लिमिट बॉस नो टाइम लिमिट बट ऑर्डर की टाइम लिमिट है क्या हाँ है क्या विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस नोटिस इश्यू करने के वन ईयर नोटिस इश्यू करने के वन ईयर के अंदर अंदर ऑर्डर इश्यू करने का ऑर्डर इश्यू करने का या नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असि टैक्स की बात कर रही हूं मैं तो अगर मैं यहां किसकी बात कर रही हूं अगर आपने सेल्फ टैक्स का पेमेंट नहीं किया है सेल्फ टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो आपको कोई शो कॉज नोटिस इश्यू करने की जरूरत नहीं डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दीजिए डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग्स यहां पे शुरू हो जाएंगे ठीक है तो ये बेटा ऊपर जो दो पॉइंट्स थे किससे थे हमारे 73, 74 से रिलेटेड थे ये आगे पढ़ेंगे हम 76 सिक्स एंड ऑल सेक्शन में ये ठीक है सो so, यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस अलग अलग तरीके की जो नोटिस इश्यू होती है उसका टाइम लिमिट का टेबल है नॉर्मल केस में नोटिस कब तक इश्यू करनी है टू ईयर नाइन मंथ ठीक है कहां से ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से या डेट ऑफ एरोनियस रिफंड से फ्रॉड केस में फोर इयर्स एंड सिक्स मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से या डेट ऑफ एरोनियस रिफंड से ठीक है एंड इनकी ऑर्डर की डेट क्या है नॉर्मल केस की थ्री इयर्स का टाइम दिया हुआ है एंड फ्रॉडुलेंट केस में फाइव इन का टाइम दिया हुआ है आपने कोई अमाउंट एज अ टैक्स कलेक्ट कर लिया बट पे नहीं किया कोई टाइम लिमिट नहीं कभी भी गवर्नमेंट उसकी नोटिस इश्यू कर सकती है बट जब भी नोटिस की उसके एक साल के अंदर अंदर उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसका ऑर्डर फाइनलाइज करना पड़ेगा और आपने सेल्फ असेस टैक्स खुद असेस किया रिटर्न में डाला सेल्फ असेस टैक्स और गवर्नमेंट को पे नहीं किया कोई शोक नोटिस की जरूरत नहीं डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी डायरेक्टली रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी ठीक है तो ये बेटा हमारे कुछ प्रोविजन हमने पढ़े यहाँ पे मैं एक मिनट मेन बुक में आई हूं बेटा ये जो हमने सेक्शन 73, 74 में बार बार पढ़े थे ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट नोटिस यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगी सो ऑल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट नोटिस शेल नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग इंडर सेक्शन वन थर्टी टू भाई बाकी सारी प्रोसीडिंग तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा कंक्लूड हो जाएगी बट इट शेड नॉट इंक्लूड प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन वन थर्टी टू इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो प्रोसिक्यूशन है यहाँ पे ठीक है प्रोसिक्यूशन वाली जो प्रोसीडिंग्स रहेगी भाई वो तो रहेगी वो कंक्लूड नहीं होगी बाकी की प्रोसीडिंग्स यहाँ पे कंक्लूड हो जाएगी मतलब की आपको हो सकता है डिमांड रेज ना हो बट प्रोसिक्यूशन हो सकता है बट प्रोसिक्यूशन हो सकता है

के लिए भी यहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स फॉर एग्जांपल कंटिन्यूड थी तो अब अगर मेन पर्सन यहाँ कंपनी पे ही यहाँ पे जो है कंक्लूड हो गई है तो ये जो दूसरे पर्सन है यहाँ पे जो अदर पर्सन है उनके लिए भी इट विल बी डीम टू बी कंक्लूडेड इट डीम टू बी कंक्लूडेड और यहाँ पे जो फ्रॉडुलेंट केस में हम पढ़ रहे थे कि जो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है उसका मतलब क्या होता है जीएसटी में बहुत ही क्लियर कर दिया क्या नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स इंफॉर्मेशन जो टैक्सेबल पर्सन को रिक्वायर्ड था रिटर्न में स्टेटमेंट में रिपोर्ट में अदर डॉक्यूमेंट में फर्निश करना ठीक है या फेलियर टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन ऑन बी आज इन राइटिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर तो जो भी उसे डिक्लेयर करना था कहां पे या तो रिटर्न में या तो स्टेटमेंट में या रिपोर्ट में या कोई और डॉक्यूमेंट में और उसने वहां पे डिक्लेयर नहीं किए उसे सप्रेशन बोलेंगे या उसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी थी और उसने नहीं दिए तो उसे सपरेशन बोलेंगे ठीक है तो ये बेटा एक्सप्लेनेशन थे वो हमने यहाँ समरी बुक में नहीं था यहाँ पे हमने ले लिया और हमने मेन बुक से पढ़ लिया आई मीन ठीक है एक बार और मैं यहाँ पे मेन बुक पे जाऊंगी सेक्शन 75 भी जो है वो समरी बुक में नहीं है उसको बाद क्विकली हम रिवाइज करेंगे कहां से हम यहाँ पे मेन बुक से रिवाइज करेंगे वापस से फिर हम समरी बुक पे आएंगे ठीक है सो सेक्शन 75 सेक्शन 75 जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स फर्स्ट पॉइंट पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर टू बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड पीरियड ऑफ स्टे भाई साहब कोर्ट ने स्टे ला दिया एपलेट ट्रिब्यूनल ने स्टे ला दिया उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा किस चीज के लिए फॉर पीरियड ऑफ इश्यूज ऑफ नोटिस एंड इश्यूस ऑफ एजुकेशन ऑर्डर जो ऑर्डर और नोटिस की टाइम लिमिट हमने भी देखी उस पीरियड के लिए वो पीरियड क्या एक्सक्लूडा स्टे का जो पीरियड रहेगा इनकेसारेशन ऑफ फैक्ट आपके ऊपर चार्ज का विलफुल स्टेटमेंट का, का, oh, oh, का और वो स्टेब्लिश नहीं हुआ पता चला कि भाई नहीं है तो भाई कोई फ्रॉडुलटेंशन ही नहीं था नॉर्मल सेवेंटी थ्री में जाना चाहिए था फॉर असूड इन फ्रॉड केस टैक्स टू बी डिटरमाइन डीमिंग द डिमांड नोटिस टू बी इशूड इन नॉर्मल केस उसे क्या माना जाएगा फिर कि नहीं, नहीं ये नॉर्मल केस था और उस केस में आप कितना पीछे जा सकते हो हमने जैसे देखा जो टू ईयर नाइन मंथ थ्री इयर्स आप उतना ही पीछे जा सकते हो और उसी पीरियड की ही नोटिस इश्यू कर सकते हो ऑर्डर यहाँ पे पास कर सकते हो एजेडिकेशन ऑर्डर इश्यूड इन एपिलेट अथॉरिटी एपिलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट डायरेक्शन टू बी इश्यूड विद इन टू ईयर कोई ऑर्डर अगर आपको पास करना है क्यों यहाँ पे इट इज इशूड

A judgment of hearing.

ठीक है तो उस केस में क्या होगा भाई उस केस में ऑब्वियसली इंटरेस्ट का अमाउंट और पेनल्टी का अमाउंट भी क्या होगा वैसे ही चेंज हो जाएगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मैंडेटरी इवन इफ नॉट स्पेसिफाइड इन एजुकेशन ऑर्डर भाई भूल गया ऑफिसर ऑर्डर में इंटरेस्ट लिखने का तो आप ये नहीं बोल सकते मैं इंटरेस्ट नहीं भरूंगा यहां पे आपने ऑर्डर में नहीं लिखा है भाई इंटरेस्ट तो किसी भी केस में पेबल ही है अगर ऑफिसर भूल गया है तो भी पेबल है यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने बोला इंटरेस्ट तो मैंडेटरी ही है वहां पे ऑर्डर में लिखा हो चाहे ना लिखा हो इंटरेस्ट मैंडेटरी है एजुडकेशन ऑर्डर टू बी पास मैंडेटरीली स्टिपुलेटेड टाइम जो भी टाइम दिया भाई साहब तीन साल पांच साल ऑफिसर को उतने में यहाँ पे ऑर्डर पास करना पड़ेगा अगर नहीं किया तो ऑल प्रोसीडिंग डीम टू बी कंक्लूडेड बढ़िया है बहुत बढ़िया है अगर नहीं पास किया तो ठीक है उसके पास वो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट से बाउंडेड है उसको तब तक के ही ऑर्डर पास करना पड़ेगा इनकेस अपील फाइल बाय डिपार्टमेंट अगेंस्ट डिसीजन ऑफ एपलेट अथॉरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट पीरियड बिटवीन डेट ऑफ डिसीजन ऑफ हायर अथॉरिटी एंड ऑफ लोअर अथॉरिटी टू बी एक्सक्लूडेड तो भाई एक हायर अथॉरिटी और एक लोअर अथॉरिटी के जो बीच में आपकी अपील फाइल की हुई है भाई हाई कोर्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का जो टाइम लिमिट है फॉर एग्जाम्पल ठीक है उस पीरियड को क्या किया जाएगा एक्सक्लूड किया जाएगा एक्सक्लूड किया जाएगा ठीक है किसी और के केस में समझ लो सिमिलर पॉइंट चल रहा है यहां पर ठीक है तो आपके केस में भी वो जो पीरियड रहेगा हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी के बीच का जो पीरियड रहेगा वो क्या किया जाएगा एक्सक्लूड किया जाएगा उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा अमाउंट ऑफ असिस्ट टैक्स और इंटरेस्ट रिमेनिंग अनपेड टू भी रिकवर्ड अंडर सेक्शन सेवेंटी नाइन पड़ेंगे अभी सेल्फ असिस्टैक्स या इंटरेस्ट जो भी आपका अनपेड है आपने पे नहीं किया है उसके लिए क्या किया जाएगा वहां पे सेक्शन यहाँ पे सेवेंटी नाइन के हिसाब से रिकवरी की जाएगी इनकेस ऑफ पेनल्टी बींग इम्पोज अंडर सेक्शन सेवेंटी थ्री सेवनटी फोर नो अदर पेनल्टी टू बी इम्पोज फॉर द सेम एक्ट ओमिशन ऑब्वियसली सेम एक्ट ओमिशन के लिए जो सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर में अगर पेनल्टी आपकी लग रही है तो फिर कोई और सेक्शन में आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी कोई और सेक्शन में आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी ठीक है तो बेटा ये कुछ प्रोविजन है सेक्शन 75 के मेन बुक एक बार ओपन कर लेना हमने वहां से रिवाइज कर लिए फटाफट यहाँ पे हमारा सेक्शन 75 कंप्लीट कम्पलीट होता है बेटा और अब वापस से आएंगे हम कहां पे हमारी समरी बुक पे आगे के प्रोविजन पढ़ेंगे अब आपने वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया बेटा कब बिफोर इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस वॉलेंट्री पेमेंट कर दिया अच्छी बात है शोकॉज नोटिस यहाँ पे सर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है शोकॉज नोटिस विल नॉट बी सर्व ऑन सच पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्यूटी सो पेड शोकॉज नोटिस क्या शॉर्ट पेमेंट किया है तो इशू होगी बिल्कुल अगर आपने कुछ शॉर्ट पेमेंट किया हुआ है तो शोकॉज नोटिस इश्यू होगी और ये वॉलेंट्री पेमेंट की फैसिलिटी क्या फ्रॉडुलेंट केसेस के लिए भी है बिल्कुल है बट फ्रॉडुलेंट केसेस में जैसे कि हमने देखा यहाँ पे क्या होगी पेनल्टी डेफिनेटली लेवी होगी लेवी होगी शोकर्स नोटिस के क्या रिक्वायरमेंट है भाई आप जो डिमांड मांगोगे शोकर्स नोटिस के थ्रू मांगोगे यहाँ पे जिसमें ग्राउंड्स मेंशन होने चाहिए ग्राउंड्स मेंशन होने चाहिए क्या कॉन्ट्रावेंशन किया कौन सा प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट किया आपको स्पेसिफिकली वहां पे स्टेट होना चाहिए इट शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड पेनल्टी अगर जो भी है तो वो मेंशन होना चाहिए किस पे सर्व होगी ऑन द पर्सन ये क्या होगी सर्व होगी कॉज नोटिस यहाँ पे इफ स्टेटमेंट आपको सर्व किया हुआ है और उसमें ग्राउंड सेम है तो फिर डिटेल कॉज नोटिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब क्या हुआ आगे आपने डिपॉजिट एक्सेस कलेक्ट कर लिया बेटा यहां पे क्या कर दिया आपने एक्सेस कलेक्ट कर लिया क्या यहां पे टैक्स कलेक्ट कर लिया तो उस केस में वो जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है एक्सेस उसको क्या करना पड़ेगा डिपॉजिट करना पड़ेगा डिपॉजिट करना पड़ेगा सो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स पेक्स कलेक्टेड जीएसटी इन एक्सेस ऑफ टैक्स असेस डिटरमाइंड एंड पेड ठीक है आपको जितना उस पर टैक्स बनता था उससे एक्सेस आपने यहाँ पे क्या किया आपके कस्टमर से कलेक्ट कर दिया कलेक्ट कर लिया है. तो उस केस में आपको वो टैक्स ऑब्वियसली आप नहीं रख सकते हो आपको यहाँ पे एक्सेस टैक्स जो आपने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है या पे क्या हो सकता है कि आपने एक्सेस जीएसटी कलेक्ट किया है और निल रेटेड गुड्स आपके गुड सर्विसेज थे निल रेट था। कोई जीएसटी की आवश्यकता ही नहीं थी फिर भी आपने क्या किया आपने सामने वाले को बेवकूफ बना के उससे ले लिया टैक्स तो आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है भाई टैक्स लेने की ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो चीजें फॉल होती है अगर आपके गुड्स सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल बारह परसेंट पे फॉल करते हैं आपने

आपने क्या किया यहाँ पे एनी अमाउंट कलेक्टेड एस टैक्स बट नॉट पेड उस केस में यहाँ पे नोटिस की तो कोई टाइम लिमिट नहीं है बट हां ऑर्डर की डेफिनेटली क्या टाइम लिमिट है वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस में ऑर्डर आपका आ जाना चाहिए नोटिस नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट को जब पता चलेगी तब उसकी नोटिस इशू करेगी कोई टाइम लिमिट नहीं है बट जब नोटिस इश्यू करेगी उसके एक साल के अंदर अंदर ऑर्डर यहाँ पे इश्यू करेगी तो ये जो एक्सेस टैक्स है वो आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है वो आप रखोगे टैक्स आप क्या करोगे वो गवर्नमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट करोगे गवर्नमेंट को भी डिपोजिट करोगे अच्छा 12 परसेंट पे आपका टैक्स है था परंतु आपने परसेंट कलेक्ट किया तो यहाँ गारह परसेंट का तो गवर्नमेंट को भी राइट बनता है रखने का जो 6 परसेंट है एक्सेस वो क्या होगा बेटा वो गवर्नमेंट का भी यहां पे राइट नहीं तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा या यहां पे जो भी पर्सन है जिसने बी आर किया इंसिडेंट उसको रिफंड होगा वो रिफंड के चैप्टर में पढ़ा था हमने ठीक है तो यहां पे क्या बात हुई जो एक्सेस टैक्स कलेक्ट किया है उसको आपको गवर्नमेंट को जमा करना है टाइम लिमिट क्या है नोटिस इश्यू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है ऑर्डर इश्यू करने की वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू नोटिस इंपॉर्टेंट प्रोविजन नेक्स्ट इनिशिएशन ऑफ वर्क रिकवरी प्रोसीडिंग्स एनी अमाउंट पेबल टैक्सेबल पर्सन इन ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड विद इन अ पीरियड अड थ्री डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर फेलिंग विच रिकवरी प्रोसीडिंग शेल बी इनिशिएटेड अब यहां पे कोई भी सेक्शंस के अंदर हमने जो भी पढ़ा आपको ऑर्डर आ गया ऑर्डर आया गवर्नमेंट ने बोला कि की फॉर एग्जाम्पल सेवेंटी का केस है या सेवेंटी का केस है कोई भी केस है यहा, यहाँ यहां पे गवर्नमेंट ने बताया सेवेंटी सिक्स का केस है कि भाई ये इतना इतना टैक्स है आपको पे करना है ये रहा ऑर्डर ये रहा ऑर्डर आपको फिर कितने दिन में पे करना है थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स फ्रॉम व्हेन फ्रॉम सर्विस डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच ऑर्डर जब वो ऑर्डर आपको सर्व हुआ उसके तीन महीने के अंदर तीन महीने के अंदर वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा कराना है गवर्नमेंट को जमा कराना है नहीं कराया तो रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी भाई साहब तो, मोड्स ऑफ रिकवरी बेटा यहां अब ऑफिसर को ऑफिसर को आपसे रिकवर करना है तो वो कैसे रिकवर करेगा द प्रॉपर ऑफिसर में रिकवर द ड्यूज अंडर सेक्शन 78 एट इन द फॉलोइंग मैनर रिडक्शन ऑफ ड्यूज From the amount payable by the tax authority to such person, ऑफिसर को आपको यहाँ पे ऑलरेडी फॉर एग्जाम्पल कुछ रिफंड पेबल है ठीक पे है यहाँ पे रिफंड पेबल है फॉर एक्जाम्पल पांच करोड़ रुपए आपका ऑर्डर कितने का आया छह करोड़ का तो क्या वो एडजस्ट कर सकता है वो पांच करोड़ का रिफंड बिल्कुल कर सकता है बिल्कुल कर सकता है ठीक है नेक्स्ट रिकवरी बाय वे ऑफ डिटेनिंग सेलिंग एनी गुड्स बिलोंगिंग टू सच पर्सन आपके गुड्स को डिटेन कर दिया जाएगा और यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा बेटा यहाँ पे सेल कर दिया जाएगा सेल कर दिया जाएगा रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन फ्रॉम हु मनी इज ड्यू और मे बिकम ड्यू टू सच पर्सन और रिकवरी फ्रॉम पर्सन हू होल्ड और सब्सिक्वेंटली होल्ड मनी फॉर सच पर्सन फॉर एग्जाम्पल बैंक ठीक है आपकी बैंक में एफडी बनी हुई है आपको यहाँ पे वो अमाउंट ड्यू होने वाला है ठीक है आपकी बैंक में यहाँ पे एफडी बनी हुई है ऑलरेडी आपका अमाउंट यहाँ पे ड्यू है इंश्योरेंस कंपनी से आपको अमाउंट लेने का है बैंक से आपको अमाउंट लेने का है तो वो रिकवरी थर्ड पर्सन से भी कर सकता है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट थर्ड पर्सन से भी कर सकता है सीज मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन द अमाउंट इज पेड आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी को मूवेबल प्रॉपर्टी को डिटेन करके सीज कर लिया जाएगा जब तक आप अमाउंट पे नहीं करते हो अब वो डिटेन सीज कर लिए उसके बाद भी तीस दिन तक के आपने यहां क्या किया इफ द ड्यूज आर नॉट पेड विद इन थर्टी डेज देन सेट प्रॉपर्टीज टू बी सोल्ड तो आपकी प्रॉपर्टी को भेज दिया जाएगा तीस दिन तक के भी आपने यहां यहाँ पे, पे नहीं किया डिटेन सीज करने के बाद तो प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा बेटा बेच दिया जाएगा एंड द अमाउंट पेबल इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेल विल बी रिकवर फ्रॉम द सेल प्रोसीज एंड बैलेंस इज रिफंडेबल ठीक है तो यहां पे क्या हुआ <coughs> जो भी अमाउंट आपको पे यहाँ पे पेबल था उसमें क्या एडजस्ट किया जाएगा ऑब्वियसली जो भी कॉस्ट ऑफ सेल है उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा में बिक गई ठीक है तो क्या किया जाएगा वो जो पैसा अगर बचता है उनका उनका यहाँ पे टैक्स का अमाउंट पूरा सब कुछ लेने के बाद में बचता है वो पैसा क्या कर दिया जाएगा आपको रिफंड कर लिया जाएगा रिफंड कर लिया जाएगा ये भी हो गया इसके बाद भी आपका पैसा बचा है क्या करेगा ऑफिसर एक प्रिपेयर करेगा सर्टिफिकेट ऑफ ड्यूज और वो भेजेगा किसको कलेक्टर को भेजेगा इन विच सच पर्सन ओन्स एनी प्रॉपर्टी डिसाइड कैरीज द बिजनेस एंड द कलेक्टर विल रिकवर सच अमाउंट एज अरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू तो कलेक्टर को भेजेगा वो एक सर्टिफिकेट ऑफ ड्यू और कलेक्टर किस तरीके से कलेक्ट करेगा उसको अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह कलेक्ट किया जाएगा बाय वे ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन टू एप्रोप्रिएट मजिस्टर्ड हु इन टर्न प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट एज एफ इट वेर फाइन इंपोज बाय हिम एप्लीकेशन भेजेगा मजिस्ट्रेट को जो उसे कैसे रिकवर करेगा कि भाई इस तरीके से करेगा जैसे कि ये कोई फाइन इंपोज किया है या एनफोर्स करके कोई बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट आपका अगर यहाँ पे आपने कोई बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया तो फिर उस बॉन्ड या इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट यहाँ पे किया जाएगा ठीक है सो so, ये क्या है बेटा ये इस तरीके से ऑफिसर आपके ड्यूज रिकवर कर सकता है क्या करेगा सबसे पहले तो भाई अगर उसका यहाँ पे <coughs> आपको कोई अमाउंट पेबल है तो उसमें एडजस्ट कर लेगा आपका डिटेन करेगा सेल करेगा कोई गुड्स यहाँ पे रिकवर करेगा किसी थर्ड पर्सन से डिटेन सेज कर सकता है आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को 30 दिन के अंदर भी डिटेन कर लिया सीज कर लिया उसके बाद भी आप यहाँ पे ड्यूज नहीं पे कर रहे हो तो फिर क्या करेगा ऑफिसर यहाँ पे बेच देगा उसको उसमें से जो पैसा आएगा कॉस्ट ऑफ सेल मैच करने के बाद में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल जो रहेगी वो रिकवर करने के बाद में क्या कर देगा वो आपको रिफंड कर देगा टैक्स रिकवर करने के बाद रिफंड कर देगा एक प्रिपेयर करेगा सर्टिफिकेट और ड्यूज की भी, भी ड्यूज बचे कलेक्टर को भेजेगा कलेक्टर क्या कैसे उसको रिकवर करेगा एजर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एप्लीकेशन भेजेगा मजिस्ट्रेट को जो कि वो कैसे रिकवर करेगा जैसे कि उसने कोई फाइन लगाया या कोई बॉन्ड एनफोर्स करके या इंस्ट्रूमेंट आपने इस एक्ट रूल्स के अंडर अगर एनफोर्स किया है तो उस तरीके से रिकवर करेगा ठीक है नेक्स्ट <coughs> पेमेंट ऑफ टैक्स इन इन अदर अमाउंट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट क्या फैसिलिटी अवेलेबल है बिल्कुल अवेलेबल है जीएसटी में क्या इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है हाँ बिल्कुल अवेलेबल, अवेलेबल, हाँ, अवेलेबल है और कोई भी पर्सन इस बेनिफ, इसका बेनिफिट बिल्कुल अवेल कर सकता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट का एप्लीकेशन करनी पड़ेगी उसको कमिश्नर को और रीजन बताना पड़ेगा भाई इसलिए मुझे इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चाहिए कमिश्नर को लगता है यहाँ पे कमिश्नर को लगता है वो एप्लीकेशन रिसीव होने पे तो कमिश्नर क्या कर सकता है अलाउ कर सकता है ठीक है आप कर दो इंस्टॉलमेंट में बट मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट कितनी अलाउ कर सकता है 24 <processo गयी>। मंथली इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट अलाउ करेगा मैक्सिमम कितनी 24 मंथली इंस्टॉलमेंट रहेगी और ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो इंस्ट्र� देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा तो कमिश्नर को लगता है तो कमिश्नर बिल्कुल अलाउ कर सकता है अब आपने कर दिया डिफॉल्ट किसी एक इंस्टॉलमेंट में ठीक है कमिश्नर ने आपको 24 इंस्टॉलमेंट अलाउ करी आपने दसवें इंस्टॉलमेंट में कर दिया गड़बड़ आपने पे ही नहीं करी तो फिर क्या होगा भाई पूरा अमाउंट ड्यू बन हो जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा इफ देर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी वन इंस्टॉलमेंट ऑन इट्स ड्यू डेट द होल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेबल ऑन सच डेट शेल बिकम ड्यू एंड पेबल फोर्थ विथ एंड शेल्ड विदाउट एनी फर्दर नोटिस बींग सर्व द पर्सन लाइफ बी लाइबल फॉर रिकवरी ठीक है कोई अलग से और नोटिस नहीं आएगी रिकवरी के लिए आपके लिए वो अमाउंट वो क्या बन जाएगा आपका तुरंत अमाउंट वो ड्यू बन जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा क्या हर केस में इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है नहीं कुछ केसेस में नहीं है कौन सा केस में नहीं आपने ऑलरेडी आप डिफॉल्टर हो आपने ऑलरेडी डिफॉल्ट किया है पेमेंट में ठीक है द टैक्सेबल पर्सन ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन ऑन पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट फॉर रिकवरी रिकवरी प्रोसेस प्रोसेस इज जिसकी चल रही है है उसमें आपने कहीं पे भी डिफॉल्ट किया हुआ है। आपको ये द टैक्सेबल पर्सन इज नॉट बीन अलाउड टू मेक इंस्टॉलमेंट पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट इन द प्रिस फाइनेंशियल ईयर पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपको वैसे ही अलाउ नहीं किया था इन लोगों ने क्या इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी या द अमाउंट फॉर विच इंस्टॉलमेंट

ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू वॉइड इन सर्टन केसेस पे क्या बात हुई? अब आपने क्या किया देखो, Where a person, after any amount has become due, ठीक है has become due from him. अगर किसी से कोई भी amount due होता है, उसके बाद में वो क्रिएट कर रहा है चार्ज उसकी प्रॉपर्टी में ऑन द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम और इस पोजिशन बाई वे ऑफ सेल कर रहा है मॉर्टगेज कर रहा है एक्सचेंज कर, कर रहा है कोई और तरीके से ट्रांसफर कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को ठीक है किसी और पर्सन को इंटेंशन क्या है उसका डीफ्रॉडिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट को यहां पे गवर्नमेंट रेवेन्यू को डीफ्रॉड करने का इंटेंशन है तो फिर उस केस में ये जो प्रॉपर्टी पे जो भी वो चार्ज बना रहा है सच चार्ज ऑफ ट्रांसफर शैल बी वॉइड 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 वो वो हो हो जाएगा वो जाएगा बट सच चार्ज और ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा अगर ये एडिक्वेट कंसिडरेशन में है सेकेंड गुड फेथ में है एंड थर्ड विदाउट नोटिस ऑफ पेंडेंसी उसको पता ही नहीं था पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग उसको नोटिस नहीं दी यहां पर ठीक है नहीं होगा ठीक है अदरवाइज अगर यहाँ पे यहाँ पे कोई भी अमाउंट उसको ड्यू होता है उसके बाद वो प्रॉपर्टी को बेचता है यहाँ पे ट्रांसफर करता है तो और उसका इंटेंशन क्या है कि मैं गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करूंगा यहाँ पे फ्रॉडलशन है बेटा तो उस केस में वो जो चार्ज है वो क्या हो जाता है वॉइड हो जाता है कब वॉइड नहीं होता है अगर एडिक्वेट एटिकुएन के लिए है सेकेंड गुड फेथ में है उसको पता ही नहीं था कि भाई उसका अमाउंट पेंडिंग है या उसने ऑफिसर से परमिशन ली तो ऑफिसर ने बोला हाँ ठीक है भेज दो उस केस में बस वॉइड नहीं हुआ टैक्स फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी भाई टैक्स जो होता है फर्स्ट चार्ज होता है प्रॉपर्टी में किसी एक्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो ना यहाँ पे किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो एक्सेप्ट क्या इंसॉल्वेंसी बैंक एक्ट कोड में कुछ लिखा होगा तो वो डेफिनेटली प्रिवेल करेगा बाकी हर केस में क्या है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी यहां पे आपको गवर्नमेंट को पे करने को आता है वो क्या होता है फर्स्ट चार्ज ऑन प्रॉपर्टी होता है, है. सर्च वगैरह हो, हो रहा है, है कमिश्नर को लगा कमिश्नर को लगा कि भाई बहुत जरूरी है इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है क्या प्रोविजनल अटैचमेंट करना प्रोविजनल अटैचमेंट करना तो क्या वो कर सकता है ये yes, कर सकता है वो अटैच कर सकता है प्रोविजनली कोई भी प्रॉपर्टी आपकी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट किसका टैक्सेबल पर्सन का या कोई भी पर्सन जो 122 ट्वेंटी टू वाला जो मास्टर है उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे क्या बात हो रही है कोई प्रोसीडिंग चल रही है इंस्पेक्शन चल रहा है सर्च चल रहा है असमेंट चल रहा है कोई भी प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग कमिश्नर को ऐसा लगता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इट इज वेरी नेसेसरी क्या टू यहां अटैच प्रोविजनल यानी प्रॉपर्टी तो क्या अटैच कर सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकता है बिल्कुल कर सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट टैक्सेबल पर्सन का या जो भी पर्सन है वन ट्वेंटी टू वन ए में उसका कर सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट किया आपके मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी में यह क्या होगा ये कब रिमूव हो जाएगा रिटर्न इंस्ट्रक्शन कमिश्नर है जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हाँ भाई इसको रिमूव कर दो अभी तो वो रिमूव हो जाएगा या वन ईयर फ्रॉम एक्सपायरी ऑफर फ्रॉम इश्यूर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट विच एवर इज अर्ल इच एवर इज अर्ल इमिश्नर यहां पर रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे रहा है तब या एक साल में एक साल कब एक साल जब होगा आपका कब से लेंगे एक साल जब आपको ऑर्डर इश्यू किया था प्रोविजनल अटैचमेंट का वहां से एक साल वहां से एक साल या जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कमिश्नर का बिचअवर रिजल्ट लिया रिजल्ट लिया सो मैक्सिमम प्रोविजनल अटैचमेंट आपकी प्रॉपर्टी कितना टाइम तक रह सकती है एक साल तक रह सकती है एक साल तक रह सकती है ठीक है अब आपकी यहां पे जो प्रॉपर्टी अटैच की वो क्या हुआ पेरिशेबल निकली या याडियस नेचर की है भाई पेरिशेबल या नेचर की निकली अब यहां पे जिसकी प्रॉपर्टी अटैच की है वो आया उसने बोला भाई पेरिशेबल प्रॉपर्टी हेजारडियस प्रॉपर्टी है मैं आपको क्या कर रहा हूं ये मार्केट प्राइस है प्रॉपर्टी का मार्केट प्राइस जितना बनता है मैं आपको पे कर देता हूं पे कर देता हूं या जो भी उसका टैक्स पेबल वगैरह आ रहा है वो उसने पे कर दिया जो भी उसका अमाउंट पेबल आ रहा है वो उसने पे कर दिया विच इज लोअर या मार्केट प्राइस या जो भी उसका टैक्स पेबल आ रहा है एवर इज लोअर वो उसने पे कर दिया तो फिर वो प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी रिलीज कर दी जाएगी ऑन प्रूफ ऑफ पेमेंट वो प्रूफ ऑफ पेमेंट बता देगा ये देखो मैंने आपका जितना टैक्स था वो मैंने पे कर दिया आप फटाफट -पट मेरी प्रॉपर्टी को रिलीज करो पेरिशेबल नेचर की आर नेचर की खराब हो जाएगी तो आप फटाफट -पट इसको रिलीज करो तो भाई आपने अगर मार्केट प्राइस या जो टैक्स पेबल आपका आ रहा है जो भी विच इज लोअर आपने पे कर दिया तो आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगे ऑन प्रूफ ऑफ पेमेंट on proof of payment. अब अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया भाई आप यू फेल्स टू पे आपने यहाँ पे कोई अमाउंट का पेमेंट नहीं किया और आपकी प्रॉपर्टी क्या है पेरिशेबल एंड एंडिया खराब हो जाएगी सो so, कमिश्नर क्या कर देगा डिस्पोज कर देगा आपकी प्रॉपर्टी को क्योंकि पड़े पड़े खराब हो जाएगी क्या मतलब निकलेगा तो वो क्या कर देगा डिस्पोज कर देगा आपकी प्रॉपर्टी को और जो भी पैसा उससे रियलाइज होगा वो एडजस्ट कर देगा जो भी उसको आपसे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी वसूल करने का आता है उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देगा फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी बेची दो लाख रुपए है उसको पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी थी वो बेची उसकी दो लाख रुपए आए यहाँ पे

और कमिश्नर फिर आपको क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा और क्या बोलेगाइबल टू बी अटैच तो आपकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा रिलीज कर दिया जाएगा कमिश्नर ने आपकी बातें बातें सुनी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट दी थी कमिश्नर को लगा आप बरोबर बोल रहे हो बिल्कुल बरबर बोल रहे तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी रिलीज कर दी जाएगी रिलीज कर दी जाएगी तो ये क्या है

क्या कर सकते हो मार्केट प्राइस और यहां पे जो भी अमाउंट पेबल है आपका विच इज लोअर वो अमाउंट आप पे कर सकते हो और उस केस में आपकी प्रॉपर्टी क्या कर दी जाएगी रिलीज कर दी जाएगी रिलीज कर दी जाएगी बट अगर आप सामने नहीं आए आपने ये सब नहीं पे किया तो क्या करेगा कमिश्नर क्या कर सकता है यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे डिस्पोज कर सकता है और जो भी पैसा आएगा उसको आपकी जो भी टैक्स लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेनल्टी उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जाएगा आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अटैच नहीं करनी चाहिए थी उनको तो आप एक ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो कमिश्नर आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देगा और अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है तो क्या कर देगा आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा ठीक है ये किसके प्रोविजन है प्रोविजनल अटैचमेंट के इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कंटिन्यूशन इनवैलिडेशन ऑफ सर्टन रिकवरी प्रोसीडिंग क्या हुआ भाई आपको यहां पे पहले तो नोटिस आई थी डिमांड की किसके लिए गवर्नमेंट ड्यूज के लिए अब अपील में गए आपके ड्यूज बढ़ा दिए पांच करोड़ के छह करोड़ कर दिए क्या हो गया एनहांसमेंट ऑफ ड्यूज हो गया क्या अपील में रिविजन में तो कमिश्नर को क्या करना पड़ेगा भाई आप यहां पे नोटिस सर्व करना पड़ेगा ठीक है आपके ड्यूज बढ़ा दिए पांच करोड़ के छह करोड़ कर दिए

ठीक है जो अपील रिविजन के पहले जो आपकी चल रही थी वहां वहीं से आपकी कंटिन्यू हो जाएगी बिना आपको फ्रेश नोटिस इश्यू किए फ्रॉम द स्टेज एट विच सच प्रोसीडिंग्स टूड बिफोर द डिस्पोजल यहां पे अपील के पहले जैसे रिकवरी की प्रोसीडिंग्स आपकी चल रही थी वैसे ही क्या होगी वैसे ही आपकी कंटिन्यू हो जाएगी रिकवरी प्रोसीडिंग्स अपील वपील होने के बाद में ठीक है क्या हो जाएगी वही जो आपकी पुरानी प्रोसीडिंग्स थी उसको क्या कर देंगे कंटिन्यू कर देंगे कहां से जहां पर छोड़ी थी वहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगी वहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगी अब आपके गवर्नमेंट ड्यूज रिड्यूस कर दिए गवर्नमेंट ड्यूज रिड्यूस कर दिए करोड़ करोड़ के 4 करोड़ कर दिए बढ़िया बात है चार करोड़ कर दिए तो उसके फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड की जरूरत नहीं है कोई डिमांड है ही नहीं ज्यादा आपकी तो आपको कोई फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड नहीं आएगी यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि कमिश्नर को सर्व करना पड़े फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड कमिश्नर क्या करेगा आपको खाली बता देगा कि भाई आपका क्या है यहां पर रिड्यूस हो गया है आपको भी बता देगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी बता देगा जो आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग कर रही है वो अथॉरिटी को भी बता देंगे कि भाई ये देख लो आप ये इनका ड्यू क्या कर दिया है रिड्यूस कर दिया रिड्यूस कर दिया है. जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग आपकी पहले चल रही थी यहां पे अपील के रिविजन के पहले जो चल रही थी वो ही आपकी वापस कंटिन्यू हो जाएगी यहां पे किस चीज के लिए जो अमाउंट रिड्यूस्ड है उसके लिए कंटिन्यू हो जाएगी उसके लिए कंटिन्यू हो जाएगी ठीक है सो एनी रिकवरी प्रोसीडिंग जो इनिशिएट हुई थी डिमांड की यहां पे प्रायर टू डिस्पोजल ऑफ अपील एनी अदर कंटिन्यूड इन रिलेशन टू द अमाउंट रिड्यूस्ड कंटिन्यू हो जाएगी जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू हो जाएगी फ्रॉम द स्टेज किस स्टेज से जो वो थी डिस्पोजल के पहले अपील के डिस्पोजल के पहले जहां थी वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो आपकी चल रही थी वो वहीं कंटिन्यू हो जाएगी बस वही बात है बस वही बात है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन इन तो यहां पे हमने क्या पढ़े दो बातें पढ़ी एनाउंसमेंट आपके ड्यूज अगर यहां पे एनाउंस होते तो कमिश्नर को क्या करना पड़ेगा आपको यहां पे नई नोटिस देना पड़ेगा नोटिस देना पड़ेगा और जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपकी पहले चल रही थी वो वहीं पे कंटिन्यू हो जाएगी वहां पे ही क्या हो जाएगी कंटिन्यू हो जाएगी जैसे वो अपील के पहले थी वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगी बट आपके गवर्नमेंट ड्यूज अगर रिड्यूज होते तो कोई फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड की जरूरत नहीं खाली आपको इंटीमेट करेंगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रिकवरी अथॉरिटीज को भी इंटीमेट करेंगे जो भी आप जिनके पास आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी उन अथॉरिटी

गवर्नमेंट ने बोला कुछ भी नहीं बड़ी सिंपल सी बात है आपका करेक्ट हेड क्या है सीजीएसटी एसजीएसटी तो आप क्या कर दो सीजीएसटी एसजीएसटी आप पे कर दो और आईजीएसटी का क्या कर लो रिफंड क्लेम कर लो रिफंड क्लेम कर लो ठीक है तो बस वही बात है ठीक है अभी देखो क्या बात है रिफंड क्लेम अंडर दिस सेट सेक्शन कैन बी क्लेम बाय टैक्स पेयर बोथ केसेस इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड सिचुएशन जो भी है दोनों में से केस आप रिफंड क्लेम कर सकते हो प्रोवाइडेड टैक्स पेयर क्या करता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर देता है अंडर करेक्ट हेड जो भी आपका करेक्ट हेड है तो उसका पेमेंट करो और दूसरे वाले में क्या चले जाओ रिफंड में चले जाओ रिफंड में चले जाओ ठीक है ये सिचुएशन भी हो सकती है इसकी वाइजा वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है तो उस केस में आपको रिफंड मिलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस provisions रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड पेनल्टी प्रोविजन invoices का जैसे कि हमने देखा बहुत स्कैम चल रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्या बोला है जो भी पर्सन रिटेन करता है बेनिफिट मतलब जो मास्टर माइंड है यहाँ पे वन ट्वेंटी टू वन ए में उसको क्या होती है पेनल्टी लगती है कितनी पेनल्टी लगती है जो भी टैक्स वेट किया या जो भी उसने आई टी सी रॉन्गली क्या किया यहाँ पे अवेल किया है यहाँ पे तो उसको क्या बोला गया है या पास ऑन किया है तो उसको पेनल्टी लगती है कितनी जितना भी टैक्स वेट कर रहा है और जिसके इंस्टेंस में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको भी पेनल्टी लगती है यहां पर बिल्कुल हमारी बात हुई टू वन ए में तो यहां पे क्या बोला कि इट मे बी नोटेड दैट ये जो भी आप रॉन्गफुल डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कर रहे हो यहां पे आप इश्यू कर रहे हो इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसके कारण क्या हो रहा है सामने वाला रॉन्गफुली अवेल कर रहा है यूटिलाइज कर रहा है रिफंड ले रहा है किसका आईटीसी का तो उस केस में सेक्शन 132 के मतलब टू के भी इन्वोक हो सकते हैं सब्जेक्ट टू द ऑन ऑन बेस्ड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस तो हर केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे देखना पड़ेगा कि अमाउंट इन्वॉल्व वगैरह क्या है अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट वगैरह क्या है उसके बेसिस पे ये प्रोविजन इन्वोक होंगे ठीक है तो ये आप गड़बड़ करते हो तो भाई आपके पेनल लॉटी के साथ साथ क्या होते? हैं यहाँ पे आपके 132 में हमने देखे थे इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस भी इनवो कहते हैं वो केस टू केस डिपेंड करेगा। क्लारिफिकेशन ऑन लीगल पोजीशन ऑफ वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, सर्च और इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पे इंस्पेक्शन सर्च इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस टाइम पे ऑफिसर आपसे कोई रिकवरी नहीं कर सकता रिकवरी नहीं कर सकता आप चाहो तो वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो ऑफिसर आपसे कैसे लेगा पैसे भाई वो पूरी प्रोसेस से जाएगा आपको शोकॉज नोटिस इशू करेगा आपका ऑर्डर इशू करेगा उस तरीके से आपसे रिकवरी यहाँ पे पैसे लिए जाएंगे ठीक है वो रिकवरी पे इंस्पेक्शन सर्च पे आए उस टाइम पे आपसे कोई पैसे नहीं ले सकता आप चाहो तो आप वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स उस टाइम पे कर सकते हो ऑफिसर डेफिनेटली प्रोविजन बता सकता है एस एससी को क्या आप वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो बट उस टाइम रिकवरी नहीं करेंगे रिकवरी जो लॉ में होती है वो कैसी होती है शोकॉज नोटिस ऑर्डर इशू करके उसी प्रोसेस के थ्रू होती है सो रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड कैसे कर सकते हैं यहाँ पे अंडर सेक्शन सेवेंटी नाइन आफ्टर फॉलोइंग द लीगल प्रोसेस क्या लीगल प्रोसेस है नोटिस इशू की जाएगी आपकी डिमांड कंफर्म की जाएगी ऑर्डर इशू करके सो so, यहाँ पे कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी जब रिकवरी आपसे कैसे कर रहा है ऑफिसर जब वो सर्च पे इंस्पेक्शन पे इन्वेस्टिगेशन पे आया उस टाइम पे नहीं कर सकता ऑन अकाउंट ऑफ जो भी इश्यूज़ उसको उस टाइम पे मिलते हैं बट लॉ डज नॉट बार टैक्स पेयर फ्रॉम वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज सर्टेन बाय हिम लॉ बोलता है बिल्कुल यहाँ वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्सेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे अगर एस एस चाहे तो वो वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकता है उसको खुद लगता है तो यहाँ पे या उसको ऑफिसर जो भी इश्यूज बताता है उसके लिए वो चाहे तो वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर सकता है इधर बिफोर या ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो कर सकता है कोई प्रॉब्लम की नहीं है बात है ऑफिसर उसको इन्फॉर्म कर सकता है वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स के प्रोविजन बट ऑफिसर वहां पर सर्च सीजन में गया वहां जाके क्या नहीं कर सकता रिकवरी ऑफ टैक्स नहीं कर सकता रिकवरी ऑफ टैक्स कैसे होगी जो ड्यू प्रोसेस है वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी क्या नोटिस दे